नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल, सेफ स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट से मेरा यूट्यूब चैनल पे मेरा आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं कुछ डेवलपमेंट किया है, उसको मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट अगला वीडियो में मैंने दिखाया था, वो मेरा वेबसाइट पे अभी भी लोड है। और भी कुछ डेवलपमेंट किया है वो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। इसमें आप लोगों को स्क्रीनिंग करने के लिए और ट्रेंड पकड़ने के लिए और भी सुविधा हो जाएगा। फर्स्टली मैंने ये एमएसीडी को इंट्रोडक्शन किया है, एमएसीडी को दिया है। इसमें EMA 12, EMA 26, एमएसीडी का दिखाया, मैंने दिया है कैलकुलेशन करके। और MACD क्रॉसओवर दिखा है, MACD जब ग्रेटर देन वन, मैंने जीरो रख सकता था लेकिन स्ट्रॉन्ग ट्रेंड स्ट्रॉन्ग करने के लिए ग्रेटर देन वन किया और MACD लेस देन वन किया। RSI इंट्रोडक्शन किया है और RSI बाई देखिए, मैंने ग्रेटर देन 50 और लेस देन 80 किया। कुछ लोग 70-30 मान सकता है और गेट आर एस आई सेल के लेस देन 50 और ग्रेटर देन 20 रखा है। तो जब 80 जब रखा है तो देखिए ग्रेटर देन 50 और लेस देन 80, तो इधर आप लोग इसको भी आप लोग को देखना चाहिए कि ये 80 के नज़दीक है, तो इसको आप लोग अवॉइड करने से ही अच्छा होगा। एटलीस्ट ओवरबॉट इसको आप लोग ओवरबॉट मान सकता है, नहीं मान सकता। आप लोग को तो पता है कि RSI ऐसे ही ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड होके लॉन्ग टाइम रह सकता है और लॉन्ग टाइम और भी ऊपर जा सकता है ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशन में। तो इसके लिए आप लोग को MACD और भी कुछ दिखना पड़ेगा। तो RSI तो जब ये ट्रू दिख रहा है, इसको आप लोग स्क्रीन कर ले सकता है। इसको डाटा में जाके फिल्टर लगा के स्क्रीन कॉल ले सकते हैं। जस्ट स्क्रीनिंग आप लोगों को और बहुत सुविधा हो जाएगा और भी अच्छी तरह का तरीका से। ये हो गया, तो इस जस्ट जीरो जीरो वैल्यू सिलेक्ट करके आप लोग इसको अभी स्क्रीन कर सकता है। तो जो RSI देखिए 47 है, 50 का नीचे है, ये टू दिखा रहा है। तो अब लोग जब जो डीप में जो लोग बाई सेल करना चाहता है, तो और भी जब नीचे और भी जब ऊपर जाएगा तो उधर अब लोग बाई का सेल कर सकता है। और इधर मैंने स्क्रीनिंग करने के लिए सुविधा हुआ, देखिए मैंने P1 P2 चेंजिंग प्राइस जो दिखाया था P1 P2 P2 P3, तो ये लगातार 3 दिन जब पॉजिटिव चेंज होगा और नेगेटिव चेंज होगा तो ये दिखाएगा आप लोगों को। तो इसको आप लोगों को सुविधा, पहले क्या होता था, अब डाटा में जाके मैंने ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो, तो मैंने इसको इसके अंदर ही घुसा दिया, इसके अंदर ही इंट्रोडक्शन कर दिया, क्योंकि आप लोगों को सुविधा हो जाएगा। जस्ट फिल्टर करके ग्रेटर फॉल्स को हटा दीजिए, जीरो को रखिए, बस आप लोग को हो जाएगा। वॉल्यूम में भी ऐसा किया, चेंज इन वॉल्यूम में पॉजिटिव चेंज इन वॉल्यूम, नेगेटिव चेंज इन वॉल्यूम, और ओपन इंटरेस्ट में भी ऐसा किया, डिलीवरी परसेंटेज में भी ऐसा किया, पॉजिटिव चेंज इन नेगेटिव। ये मैंने और भी इंट्रोडक्शन किया है आप लोगों को। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो आप लोग मूविंग एवरेज जो देख रहा है MA 5, MA 15, MA 30, तो इसको आप लोग जब LTP का पोजीशन देखेंगे, LTP का पोजीशन जब देखेंगे तो ये एक्चुअली मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हो जाएगा। मूविंग एवरेज जो जब देखेंगे आप लोग, इसको जब ट्रू करेंगे, अनचेक करके जब फिल्टर करके करेंगे, तो देखिए आप लोग को 515 का क्रॉसओवर देखना है, तो इधर देखिए 5 को जो 2 आएगा और 15 में जो 2 आएगा, तो उसको मतलब ये आपको 515 का क्रॉसओवर हुआ है। और
ये ओ 22